इन्होंने ना विकिपीडिया का डेफिनेशन चेंज करवाया, विकिपीडिया में जॉय लैंड चेंज कराई और लिखा होता कि ही हैदर फॉल्स इन लव विद अ वुमन, नहीं नहीं वुमन लिखा हुआ इधर, अच्छा जस्ट वुमन, अभी रिसेंटली तो मैंने इंटरसेक्स भी देखा, चेंज हो गया इंटरसेक्स तो कहां है यार, मतलब अब वो वुमन हो गया कि वो, अच्छा असल में ना कोई बंदा पढ़ रहा होगा अच्छा तू फॉल्स इन लव विद अ वुमन सो व्हाट्स द बिग डील, इतना शोर क्यों मचा रहा, अब आगे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ना वो कहते हैं ना कि ट्रांस वुमन आर वुमन, इसलिए उन्होंने कह के ना असल में यार इन्ना लेला कितनी वैसे पॉइंट ये देखें कि एक तो हमने कई दफ़ा क्लैरिफाई किया, अभी अली भाई ने भी इस पर रोशनी दोबारा डाल दी है कि इंटरसेक्स पीपल वी स्टैंड फॉर देम एक्चुअली, और आप ये ज़रा देखें कि ये मैं अमेरिकन कांग्रेस डॉट ऑर्ग से मैं कोट करके बता रहा हूँ कि इनकी परसेंटेज कितनी है, दे से कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अप टू 1.7% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इंटरसेक्स ट्रेट एंड दैट अप्रॉक्सीमेटली 0.5% ऑफ पीपल हैव क्लिनिकली आइडेंटिफाइबल सेक्शुअल और रिप्रोडक्टिव वेरिएशंस, इट इज़ सच अ लो परसेंटेज फर्स्ट ऑफ ऑल 1.7, तो ये जो आप कहते हैं ना कि ये माशरे की अक्कासी हो रही है और ये नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उसमें जो मेन इशू है वो यही है ट्रांसजेंडरिज्म वाला, और बाकी जो इशूज़ है भाई ने जो शुरू में बताए हैं वो काइंड ऑफ सेकेंडरी हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1.7% पीपल की बात हो रही है, इमेजिन दैट इट इज़ सच अ लो परसेंटेज, इट्स नॉट अ नॉर्मल प्रॉब्लम, प्रिवेलेंट प्रॉब्लम इन द कंट्री, जो कि इतनी सारी अभी हमने और प्रॉब्लम्स की तरफ रोशनी डाली है, तो उसके लिए आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं, कोई इस ये अगर कोई बंदा सोचे तो उसके जहन में सवाल पैदा होगा कि ये कोई वजह है फिर इसके पीछे, ये नॉर्मल नहीं है। सही कह रहे हैं। फिर दूसरी बात ये है कि ये जो मेन प्रॉब्लम हमें इसमें, वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स होमोसेक्सुअलिटी, क्योंकि इससे वो प्रमोट हो रही है, क्योंकि जो ट्रांसजेंडर वुमेन है वो एक मेल है जिसने अपने आप को ट्रांस किया हुआ, यानी वो मूव हुआ हुआ है दूसरे जेंडर की तरफ, और दूसरा मेल जो कि एक शादीशुदा बंदा है वो उसके साथ इन लव आ गया और आप उसको दिखा रहे हैं, एंड यू आर विक्टिमाइजिंग देम, यू आर शोइंग देम एज दे आर विक्टिम्स, इनको सपोर्ट की जरूरत है, मुझे तो टेंडर लव याद आ रहा है, वो जेंडर लव, हाउ दे मैनिपुलेट थिंग्स, जैसे आपने पिछले एक पॉडकास्ट में कहा था ना कि मीडिया जो है ना, मीडिया वॉर वो ऐसी है, आप किसी को भी अच्छा बना सकते हैं, किसी को बुरा बना सकते हैं, इट्स द वे हाउ यू चूज वर्ड्स। तो एक इंटरव्यू में, एक पॉडकास्ट में वो कहा जा रहा है कि कितना उस बंदे का ना टेंडर लव है, मतलब वो वाइफ के साथ भी सिंसियर है और उसका उससे प्यार बाहर भी किसी के साथ हो रहा है, और कितना ज़ुल्म कर रहे हैं हम कि टेंडर लव है और आप लोग उसको देखिए असल में ना मुझे किसी ने ये कहा कि देखें उस फिल्म में ना एक सवाल था कि जी उस फिल्म में कोई सीन्स नहीं है, ठीक है, अब ये ज़रा गौर कीजिएगा, बड़ा मासूमाना सवाल है कि देखिए आप उस फिल्म को क्यों बैन करना चाहते हैं जब उस फिल्म में कोई सीन्स नहीं है, मतलब यही प्रॉब्लम है। अच्छा देखिए रुकिए, द थिंग इज आप ये कहना चाह रहे हो कि ठीक है उसमें कोई इंटीमेट लव का सीन नहीं है, कोई किसिंग सीन नहीं है, कोई और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट सीन नहीं है, तो मैं तो कहता था कि अगर इसमें एक्सप्लिसिट सीन होता ना तो मैं कहता प्लीज रिलीज जॉय लैंड, फिर तो कर ही ना सकते, क्योंकि पता क्यों कहता मैं, कहता मैं कहता रिलीज जॉय लैंड, यू नो व्हाई, बिकॉज अगर कोई बंदा भी जो फितरत पे ना वो ये एक्ट देखेगा वो इतनी बुरी तरह मुतनफर होगा, वो अपने कानों को हाथ लगा के वो कहेगा तौबा मेरी तौबा, क्योंकि ये जो वर्ड है ना कि टेंडर लव, आप उसको फिजिकल एक्ट जब अगर आप दिखाएंगे तो इसके ऊपर तो बकायदा रिसर्चेज हैं, यानी ये अगेन मैं थोड़ा सा मजीद डिफाइन कर दूं, एक मेल का मेल के साथ सेक्सुअल जो रिलेशनशिप कायम करते हुए जो है वो अगर आप दिखा देते हैं ना एक्सप्लिसिटली तो फिर मैं कहता रिलीज करो इसको, क्योंकि आप क्योंकि जब आपने गन दिखाना ही है, क्योंकि एक ही एतराज है, हम तो जी माशरे की अक्कासी कर रहे हैं, हम तो जी माशरे के अंदर जो हो रहा है वो दिखा रहे हैं, तो फिर आप वो सीन भी दिखा देना, इतना तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं आप, इतना क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं कि आप सिर्फ उनकी ऊपर से सुपरफिशियल लव स्टोरी दिखा रहे हैं, आप फिर पूरा दिखाएं, क्योंकि अब आप चाहते हो ना कि माशरे में हम अक्कासी करना चाहते हैं, जो गंदगी होती है वो हम दिखाना चाहते हैं, फिर आप दिखाएं गंदगी पूरी ताकि लोगों को पता चले, आधी पिक्चर क्यों दे रहे हैं, ये क्यों प्रिटेंड कर रहे हैं कि जिस तरह आगे वाला जो पार्ट है वो सारा ब्लर्ड आउट है, व्हाई इज इट ब्लर्ड आउट, Why don't you tell them what will actually happen? Why don't you tell कि इसके बाद consequences क्या होंगे? Monkey pox होगा, AIDS होगा, HIV होगा, फलां होगा, और आपके जो यानी problems आपके साथ जो create होंगे, उस पे क्यों नहीं बात करते? I think just by seeing that very process, a lot of people would be turned away. जी जी, exactly. अच्छा मैं अपनी वो बात complete कर लूँ कि मैं अर्ज ये कर रहा था कि इसमें main एक problem जो है वो homosexuality की तरफ रुझान और promotion है उसकी. अब आप ये देखें कि अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करें ना, और बीइंग अ मुस्लिम खास तौर पे करें, आपको नज़र आता है कि होमोसेक्सुअलिटी चूंकि अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से बिल्कुल फॉरबिडन है, ये एक अननेचुरल एक्ट है, अल्लाह ताला ने हमें फितरत पे पैदा किया, और ये फितरत को इस थोड़ी सी ना घिन आती है, थोड़ी सी ठीक ठाक घिन आती है, अच्छी खासी घिन आती है, मतलब यूं अकॉर्डिंग टू रिसर्च मैं कहना ये चाहता कि आम बंदा विदाउट थिंकिंग एनीथिंग इमीडिएटली नॉर्मली चाहे वो करप्ट भी हो मेंटली थोड़ा सा घिन आएगी उसको भी, इसलिए मैंने चाहे थोड़ा सा थोड़ी कह दी उसके लिए भी, आम बंदे को तो वाकई बहुत घिन आती है। आप ये देखें कि अगर आप इसको नेक्स्ट इससे देखें ना, तो पता ये चलता है कि वो लोग इसमें इंडल्ज होते हैं ज़्यादातर जो
फितरत से आगे ना थोड़ा सा अपने नफ्स को, अपनी हवा, अपनी जो हवस है और ख्वाहिशात है ना, उसके पीछे लगे हुए हैं. मतलब दे डोंट वांट टू बी रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी लॉ और रेगुलेशन, चाहे वो मुल्की हो या रिलीजन की हो. वो अपनी ख्वाहिश को सबसे आगे रखते हैं. अल्लाह सुब्हान व तआला ने सूरतुल कहफ, जो कि वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट सूराज है कुरान की, अल्लाह ताला ने उसमें एक चीज़, एक आयत में बड़ी क्लियरली एक चीज़ बताई है, जिसको आप कनेक्ट करके देखें आगे और पिछले पार्ट को. अल्लाह ताला ने फरमाया कि वला तुती अमान अगफलना कल्बहू अन ज़िक्रिना व तबा हवा, और उसकी इत्तबा, उसको फॉलो कभी ना करना जिसको हमने अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया है. वो अपनी हवा, अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगा हुआ है. आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो कान अमरुहु फुरुतो, जो बंदा अपनी ख्वाहिशात के पीछे लग जाता है ना, उसका मामला हद से गुजर गया हुआ होता है. अब अगर आप गौर से देखें, ये जो होमोसेक्सुअल्स हैं या जो इसमें पार्टेक करते हैं, इनका मामला हद से गुजर चुका हुआ है अगर आप गौर से देखें. और अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि ये पहले वाली बात को आप आगे रख लें या पहले रख लें, बाय दोनों डायरेक्शन से ये कनेक्टेड है कि इनको हमने अपने जिक्र से, अपनी याद या अपनी जो खौफ है, अल्लाह के खौफ है ना, उससे गाफिल कर दिया, हो गया हुआ इनका दिल. अल्लाह ने नहीं किया हुआ, बाय द वे ये इस हद तक गुजर क्रॉस कर चुके हैं इतनी हदों को कि इतना आगे निकल चुके हैं कि उनका अल्लाह की तरफ से दिल गाफिल हो चुका हुआ है. तो अल्लाह ताला हमें ऑलरेडी एक तरफ पॉइंट आउट करते हैं कुरान में कि ख्वाहिशात के पीछे शुतर बेमहार हो के, कोई लिमिट्स नहीं है, जस्ट फॉलो योर हार्म प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए, डू लाइक दैट. ये वाला एजेंडा, ये जो लिबरल इस बात का कोई जवाब नहीं उनके पास, आपको पता है. आप जब जब ये बातें करेंगे ना, दे वुड ट्राई टू ब्रिंग द आर्गुमेंट टू. अच्छा, इसमें एडिशन कर दूं, इसमें एडिशन कर दूं. देखें, आपने बात की कि वो जो एक्ट ऑफ सेक्सुअल रिबेलियन है, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, पूरा दिखा नहीं रहे. आपको पता है कुरान में जो जिना के बारे में आयत आई है, वला तक्रबु ज़िना, उसमें अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि जिना ना करो. अल्लाह ने कहा जिना के करीब भी ना जाओ. बिल्कुल सही है, करीब भी ना जाओ. या तो वो रास्ते जो जिना की तरफ लीड करते हैं या उसकी तरफ जो करते हैं, तो फिर आगे आता है इन्ना हुकाना फाहिशतं वसा असबीला, बेशक बदकारी के पास ना जाओ और बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरा रास्ता है. यानी कि वो रास्ते जो बदकारी की तरफ लीड कर रहे हैं, वो रास्ता भी बहुत बुरा रास्ता है और वो फाहिशी के ज़ुमरे में आता है. तो कुरान में तो ये हुक्म है, और ये अगर उसकी तरफ दे रहे हैं तो ये तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल चीज़ है. गाइस, मुझे एक इस वक्त मोटरसाइकिलों की आवाज़ आ रही है और हमारा एक सेगमेंट इस वक्त व्यू है जी, जो कि है व्यूअर ऑफ द वीक सेगमेंट. अल्लाह अल्लाह